यूपी की योगी सरकार एक बड़ा फैसला ले सकती है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार आउटसोर्सिंग में आरक्षण की व्यवस्था लागू कर सकती है। बीजेपी के विधायकों और सांसदों की बैठकों में मिले सुझाव के बाद योगी सरकार इस फैसले का ऐलान कर सकती है। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत सूचना विभाग से हुई है। नीट पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ये परीक्षा दोबारा नहीं कराई जा सकती क्योंकि बड़ी गड़बड़ी साबित नहीं हुई है, जिसे लेकर अब बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती की प्रतिक्रिया सामने आई है। बसपा सुप्रीमो ने इस मामले को लेकर केंद्रीय मेडिकल परीक्षा की प्रक्रिया को खत्म कर पुरानी व्यवस्था को बहाल करने की मांग की है। प्रदेश की योगी सरकार ने यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान कर दिया है। यूपी पुलिस में कांस्टेबल के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा का आयोजन अगस्त माह में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए योगी सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का एग्जाम 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को आयोजित करने की तारीख तय की है। बजट को उद्यमियों ने मानसून में धमाकेदार बरसात की उम्मीद के स्थान पर कहीं बारिश तो कहीं सूखा जैसे असर वाला बताया। मर्चेंट चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश से जुड़े उद्यमियों ने सिविल लाइन्स स्थित सभागार में बजट का प्रस्तुतीकरण देखने के बाद घोषणाओं और प्रावधानों की समीक्षा करते हुए कहा कि इस बजट का मिला जुला असर होगा। मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी के तेज तर्रार युवा विधायक गोरखनाथ बाबा ने बताया कि वे अपनी दावेदारी मानकर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और जनता का आशीर्वाद समर्थन मिल रहा है। उनका कहना है कि मिल्कीपुर के विधायक रहे अवधेश प्रसाद पासी फैजाबाद लोकसभा से सांसद बन गए हैं और खाली हुई सीट पर अपने बेटे अजीत पासी को समाजवादी पार्टी के टिकट से मिल्कीपुर विधानसभा में उतार रहे हैं। जनता की समस्याओं को सुनने और समय पर उनकी समस्याओं का निस्तारण सुनिश्चित कराने के लिए योगी सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। गुड गवर्नेंस की अपनी प्रतिबद्धता का अनुकरण करते हुए सरकार ने प्रदेश पर विभिन्न तहसीलों में तैनात उपजिलाधिकारी और तहसीलदार को अब उसी तहसील में निवास करने का आदेश जारी किया है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को लेकर एक बार फिर जमकर चर्चा हो रही है। दरअसल इनका कार्यकाल 29 जुलाई 2024 को खत्म हो रहा है। 29 जुलाई 2019 को आनंदीबेन पटेल ने यूपी के राज्यपाल का कार्यभार संभाला था। राज्यपाल का कार्यकाल खत्म होने में अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं। हालांकि अभी तक इस बात की सुगबुगाहट नहीं है कि राज्य का अगला राज्यपाल कौन होगा। पूर्व विधायक उदयभान करवरिया को सुबह करीब 7:30 बजे जेल से रिहा कर दिया। जवाहर पंडित हत्याकांड में जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे करवरिया को राज्यपाल ने समय पूर्व रिहा करने का आदेश जारी किया था। राज्यपाल ने ये आदेश जिला प्रशासन की उस संस्तुति पर जारी किया था जिसमें जेल में करवरिया का आचरण अच्छा बताया गया था। इन दिनों यूपी में कांवर यात्रा चल रही है। ऐसे में यात्रा को लेकर मुख्य मांगों पर पुलिस सख्त है और कांवरियों को दिक्कत ना हो इसलिए चौकसी बरती जा रही है। ऐसे में मेरठ जिले में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। मेरठ जिलाधिकारी दीपक मीणा ने सभी स्कूल और कॉलेजेस को 2 अगस्त तक बंद करने के आदेश दिए हैं। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और कॉलेज सरकारी और प्राइवेट के सभी स्कूल बंद रहेंगे। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल को दिए गए एक साक्षात्कार में कहा है कि पूरा देश ऐसे ही परिणाम का इंतजार कर रहा था जो साल 2024 के लोकसभा चुनाव में आए हैं। उन्होंने दावा किया कि यूपी की वजह से भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में बहुमत नहीं मिला। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता ने हमें सहयोग किया। जहां वो 80 में 80 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे वहां यूपी की जनता ने उन्हें रोका है।